अस्सलाम वालेकुम, मैं YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि व्यूज़ तो आते हैं मगर लाइक करना पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अफशा फूड्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे, जिसका नाम है अफशा फूड्स, और मैं हूँ आपकी अफशा। तो आज लेकर आई हूँ फिर से एक बेहतरीन सी रेसिपी, पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली। और आज हम बनाएंगे हैदराबादी शादियों वाला जो है मिर्चों का सालन, जिसको आप पराठों के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, किसी भी तरह के पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ खा सकते हैं। और ये हैदराबाद की मशहूर डिश है, जो कि हैदराबाद की शादियों में ज़रूर सर्व की जाती है। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करते हैं आगाज़ वीडियो का। तो यहाँ मैंने रोस्टेड पिनट्स लिया है, पैन में डाल रही हूँ मैं। 2 टेबलस्पून मैंने भर के जो है रोस्टेड पिनट्स ऐड किया है, साथ में ही 2 टेबलस्पून जो है साबित धनिया यूज़ किया है मैंने, गोल वाली, साथ में 2 टेबलस्पून सेसमी सीड, सफ़ेद तिल, वाइट तिल के बाद जो है 2 टेबलस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करना है, 3 टेबलस्पून जो है डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा जो होता है, नारियल का पाउडर जो होता है वो यूज़ करेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून यूज़ कर लेंगे। और इनको हम बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे जो है अच्छे से फ्राई कर लेना है। ऑलरेडी हमारे पिनट्स फ्राई हुए हैं, बस ये कि इसके अंदर जो है बाकी जो मसाले हैं वो अच्छे जो है रोस्ट हो जाएं। जब तक रोस्ट करना है ड्राई, जब तक इसमें से अच्छी स्मेल ना आने लगे। अब वो निकालने के बाद इसी पैन में मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, साथ में एक लार्ज साइज़ के अनियन को मैंने बस 2 मिनट के लिए इसको सॉटी कर लेंगे और इसको भी सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद फिर इसी पैन में हम 1 पॉट जो है काम कर रहे हैं, सब कुछ ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं करने। सो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून मज़ीद ऑयल डाला, मस्टर्ड ऑयल, और जो है उसको मैंने हरी मिर्चों को अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था, और साथ में डंठल के साथ मैंने रखा हुआ है, और इसको मैंने अच्छा सा फ्राई कर लिया। मैंने इसके अंदर से कट करके, स्लिट करके सीड्स नहीं निकाली, क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अब जो हमने ड्राई मसाले रोस्ट किए थे और फ्राई अनियन जो रखा था, उसको अच्छे से हमने पेस्ट बना लेना। अब यहाँ राई 1/2 टीस्पून जो है मेथी दाना, 1 टीस्पून राय, और 15 से 20 करी लीव्स, करी पत्ता लेके हमने इसको क्रैकल कर लेना है। और इसके साथ ही ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लीजिएगा, और इसको इतना कुक करना है कि इसका कच्चापन, रॉ स्मेल इसकी निकल जाए इसके अंदर से। इसके बाद जो हमने ये मसाले पीस कर रखे थे, देखें इतने थे कि इसमें करना है, ज़्यादा पानी डाल के नहीं हमने पीसना है, और इसको डाल के हमने अच्छा सा इसको फ्राई कर लेना है। साथ में यहाँ मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। 1 टीस्पून मैं यहाँ भी फ़िलहाल सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम आगे चल के, अगर हमें लगेगा तो हम अगेन इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कर दूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अफशा फूड को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन का प्रेस करना ज़रूरी है, और ये बिल्कुल सब्सक्रिप्शन फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। तो अब यहाँ मसाले मेरे भुन गए थे, साथ में मैंने फ्राइड जो है अपनी ग्रीन चिलीज़ इसको ऐड कर दिया। आप चाहें तो मैं आपको बता रही थी कि इसमें से सीड्स निकाल सकते हैं, मगर ज़रूरत नहीं है। बहरहाल उसको डाल के, हरी मिर्चों को भी डाल के मैंने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक किया। उस बाद थोड़ी सी मिर्चें सॉफ्ट हो गई, जस्ट लिटिल बिट। फिर मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो है रफली मोटे मोटे चंक्स के इसमें काट के इसमें ऐड कर दिया, और साथ में ही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें इमली का पानी, इमली का पल्प निकालें आप एक मुट्ठी भर के जो है, या 3 से 4 टेबलस्पून भर के आपने जो है इमली ले लेनी है, उसको गर्म पानी में भिगो देना है और उसका पल्प निकाल लेना है और इसके अंदर ऐड कीजिए। अब यहाँ पे मुझे सॉल्ट का थोड़ा फ्लेवर कम लग रहा था, सो मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। अब साथ में यहाँ पे ऐड किया है मैंने होममेड जो है 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, और डाल के हल्की फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए लिड लगा के बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है हमने इसको दम दे देना है। अब जनाब, मज़ेदार से आपकी हरी मिर्चों का सालन, हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन
सर्व करने का टाइम आ गया। आप इसको को जो है पुलाव, बिरयानी और इवन खिचड़ी के साथ, दाल चावल के साथ और पराठों के साथ तो बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन जाता है। आप किसी दिन ट्राई करके देखिएगा, पराठे की पराठा आप कोई सा भी यूज़ कर रहे हैं, स्टफ़ पराठा यूज़ कर रहे हैं या रेगुलर पराठा यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ खा के देखिएगा, बहुत 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 लजीज और डिलीशियस बनते हैं। आप ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, लाइक कर दिया करें यार। आप लोग देखते हैं चैनल को मगर पता नहीं क्यों वीडियो को लाइक नहीं करते, पैसे नहीं जाते बाय द वे लाइक करने से, तो लाइक कर दीजिए और अफशा फूड्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके और बजट फ्रेंडली फूड आप अफशा फूड से सीख सके। सो होपफुली आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बैक बॉक्स ओपन होता है आपके सजेशन सराखों पे। फिर मिलती हूँ आपसे, लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।